स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने आजाद चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने बताया कि देश की धरती ने अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है, उन्हीं में से एक पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव और भगत सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने 27 फरवरी 1931 को खुद को अंग्रेजों से घिरा पाकर अपने ही पिस्तौल से गोली मार ली ताकि अंग्रेज उन्हें जीवित ना पकड़ सके। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो ना तो जुल्म करते थे और ना ही सहते थे। सांसद ने बताया कि उनका जन्म यूपी के उन्नाव जिले के बद्रका गाँव में 23 जुलाई 1906 को हुआ था तथा उनका नारा था, आजाद हैं आजाद ही रहेंगे। इस अवसर पर गोपलापुर के पार्षद रामलौट निषाद, अरविंद निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के लिए एक बहुत ही आने, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आदरणीय हम लोगों के इस देश के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद किया जाएगा। ये युवाओं के बड़ा स्रोत हैं, युवा इनसे जब भी अपने देश में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो युवाओं को इसकी इनकी और ऐसे शहीदों को, वीर सपूतों को जो हमेशा उसका अनुसरण करते हुए युवाओं को एक उनके भावना जागृत करने के लिए उनके अंदर हर वक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो क्रियाकलाप थे, जो इन लोगों ने जो देश की आज़ादी में जिस तरह के हुनर दिखाए थे, जो जोश और जज्बा पैदा किया था, वो युवाओं के अंदर हमेशा वो जज्बा विराजमान रहे। इस तरह की पेड़ा चंद्रशेखर आज़ाद से हमेशा मिलती रहेगी और इसलिए आज इनके बलिदान दिवस पर हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।